Hey guys, back with Swirl Tournament and update video. So, ये चेन रिएक्शन का स्क्रिम्स है. तो चेन रिएक्शन के स्क्रिम्स से मैच 3 में जो कि इरेंगल का मैप था, तो इरेंगल का मैप में सोल ने 12 किल निकाले. एंड मैच 4 जो कि मिरामर का मैप था, तो मिरामर का मैप में सोल ने 10 किल निकाले, जिसमें सोल वर्सेज गॉडल की 4v4 फाइट होती है. एंड सोल हेक्टर वर्सेज जोनाथन का 1v1 फाइट होता है, नॉट प्योर बट 1v1 फाइट होता है. एंड सोल हेक्टर ने 1v3 भी किया है. एंड सोल हेक्टर का सोलो 5 किल थे वो मैच में. एंड वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि दो मैच का ये हाइलाइट्स है, सो फुल वीडियो देखना बहुत मज़ा आने वाला है. एंड अगर आपको फुल मैच देखना है तो आपको लोगों पे सर्च करना होगा, चेन रिएक्शन आपको मिल जाएगा ये स्क्रीम्स, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो. एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, आपको ऐसे सोल का तोड़फोड़ वीडियो मिलता रहेगा. सो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, 39K हो जाना चाहिए आज कैसे भी, सो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत. एंड अब चलते हैं मैच की तरफ, दोनों मैच देखना बहुत मज़ा आने वाला है. स्पॉट आउट कराए लेकिन गॉबलिन नियो पर जो है हार करेंगे, जिसके चलते एक बार फिर से आमने सामने ये दोनों दिग्गज टीमें टीम सोल वर्सेस टीम गॉडलिन यहां पर इनिशिएट होता नजर आ रहा है. गॉबलिन टेक डाउन कर देंगे नियो को, लेकिन क्या जोनाथन बचा पाने में सक्षम हो पाएंगे? बट फिलहाल अभी के लिए खुद को बचाना एक बहुत बड़ा टास्क इनका कर आ रहा है, क्योंकि टीम सोल के प्लेयर्स एनक्लोजर कर रहे हैं, लेकिन गिल का ये ऑफ गार्ड एंगल कर देगा और ओमेगा को टेक डाउन, जिसके चलते ये फाइट को डिले आउट करते नजर आ रहा है ये प्लेयर. और टीम गॉडलिन वर्सेस टीम सोल एक ऐसी सिचुएशन में आगे खड़ा है जहां पर कोई भी टीम का जिसकी की मतलब एक बिल्कुल जो पल रहा है ना वो दोनों ही टीम का बराबर सा है बोला जा सकता है. लेकिन हेक्टर आगे जाएंगे, जोनाथन को करेंगे टेक डाउन एक 1v1 के ट्रेड में, और टीम सोल एक बार वापस इस फाइट में अपर हैंड लेती नजर आ रही है. यहाँ पे काफी बेहतरीन तरह से अपर हैंड थ्रू स्टिक, लेकिन गॉडल यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलों में हमें जरूर से नजर आ रही है. फिलहाल के लिए आई बिलीव इन मुश्किलों का सामना अगर आप कर पाए तो वो ज्यादा बेहतर, वरना एलिमिनेशन यू कांट अफोर्ड, क्योंकि आज मैचेस टीम गॉडलाइक के काफी ज्यादा बेहतरीन गए हैं. यहाँ से अगर आखिरी मैच अच्छा जाता है तो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में खुद को काफी बेहतरीन पोजिशन पे पाएंगे. बट अभी भी गिल एंड नियो हमें जरूर से नजर आ रहे हैं. लेट्स सी कि गिल यहाँ पे क्या कमाल करके दिखा पाएंगे. बल्कि गिल को भी पिक ऑफ कर जाएगा एस पावर एंड नियो पे. अब सारा दारोमदार हमें कहने के यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है. लेट्स सी कि अब यहाँ पे प्लेयर्स एंड टीम्स और क्या अप्रोच निकल के आता है. बिल्कुल देखिए, यहाँ पर नियो के ऊपर भी जो शॉट्स है वो लिए जा रहे हैं. अक्षत यहाँ पर एक चीकी एंगल से यहाँ पर शॉट लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीम सेल्स के प्लेयर्स भी जो कनेक्शन है वो बनाते नजर आ रहे हैं. लेकिन एस पावर के हाथ में एक बार वापस है ग्रेनेड. क्या ये ग्रेनेड अक्षत की दिक्कतें बढ़ाएगा? जी नहीं, अक्षत एक सही टाइम पे यहाँ पर पीछे हटेंगे, अन्यथा यहाँ पर मुश्किल में यहाँ पर फंस जाते हैं. लेकिन एस पावर वेट कर रहे हैं, हायर ग्राउंड का एडवांटेज उठाना चाहते हैं, अपनी AKM के साथ थोड़ा सा सप्रेस जरूर करना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे. सप्रेसर लगा हुआ है, रेड डॉट लगा हुआ है, एक एक करके आगे बढ़ना चाहते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा, एक गलती सी अनवांटेड पीक या एक छोटी सी मिस्टेक टीम गॉडलाइक को इस मैच से काफी ज्यादा दूर लेके जा सकती है. और टीम सोल के प्लेयर्स अभी के लिए गॉबलिन का ये ग्रेनेड आया ग्राउंड से इस पावर की दिक्कतें बढ़ाएगा. नियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे है, लेकिन कवर फायर देना होगा. लेकिन नियो ने काफी ज्यादा डैमेज ले लिया अपने ऊपर, इस पावर भी कर दिए जाएंगे फिनिश ऑफ. और टीम गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स इस मैच से जो एलिमिनेट है वो कर ये मुश्किल का फायदा उठाने वो फिनिशर्स पॉइंट अपने फेवर में ली. डायनामाइट को टेक डाउन करने की कोशिश की जा रही थी, बट हेक्टर आएंगे एट लास्ट एंड टेम्पेस्ट दोनों को टेक डाउन किया गया एक ही स्प्रे में. नियो ऑन सोलो प्लस स्टैंडिंग, हेक्टर के पास इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा पुश करने का. दो प्लेयर्स को टेक डाउन करने के बाद भी इंतजार काफी ज्यादा गलत हो सकता है. वापस से एक और प्लेयर को टेक डाउन किया, वहीं पे नियोन अभी भी हमें नजर आ रहे हैं. पुश जाता हुआ हेक्टर की तरफ से नजर आएगा. रिवाइवल की प्रतिक्रिया नियोन की तरफ से स्टार्ट जरूर से हो चुकी है. काफी शानदार ग्रेनेड आई थिंक गेम चेंज कर सकता है टीम एम के लिए. बिल्कुल अभी के लिए देखिए यहाँ पर हेक्टर बैक टू बैक जो ग्रेनेड्स वो करना चाहते हैं. नियोन इस दौरान काफी ज्यादा लो ऑन लिक्स, बैक टू बैक यहाँ पर जो ग्रेनेड्स अपनी यूटिलिटीज के साथ एक्सचेंज करेंगे. लेकिन क्या हेक्टर यहाँ से एक 1v3 कर पाने में यहाँ पर कामयाबी यहाँ पर हासिल कर पाएंगे देखने वाली बात है. बट चलिए, जिस ग्रेनेड की थी दरकार वो आता हुआ नजर आएगा, एटलस को करा जाएगा टेक डाउन. नियोन यहाँ पर एक सोलो सर्वाइवल देखने को मिलेंगे. लेट्स सी एक ये 1v1 की फाइट. हेक्टर यहाँ पर बिल्कुल भी ओपन में नहीं जाना चाहते, M4 के ऊपर स्विच करेंगे. सामने से नियोन अपनी UMP के साथ यहाँ पर जो जद्दोजहद है वो चलती नजर आ रही है. कोई भी प्लेयर ओपन ऑफ द मैप्स में जाकर शॉट्स नहीं लेना चाहता, लेकिन टेम्पेस्ट यहाँ पर आगे थोड़ी सी जो रोटेशन है वो ब्लॉक करना चाहते हैं. लेकिन नियोन एकमात्र गोल्डन HP पे हेक्टर के लिए जो काम है वो आसान कर दिया आगे आकर. और हेक्टर के द्वारा एक शॉट फुट में मात्र एक प्लेयर के ऊपर यहाँ पर सर्वाइवल करती नजर आ रही. लेकिन देखते ही देखते देखिए अचानक से जो टेबल है वो टर्न हो जाएंगे, सोल के प्लेयर्स आएंगे पीछे से और टीम FS के प्लेयर्स को जो फिनिश ऑफ है वो कर दिया जाएगा. ओमेगा के कुछ अच्छे स्प्रे से टीम सोल थर्ड पार्टी शॉट्स लेती नजर आई, जिसके चलते कुछ अच्छे इंटेल देखने को मिले.
लेकिन अब यहाँ पर टीम सोल के प्लेयर्स दावा बोल चुके हैं पूरी तरीके से टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स के ऊपर भी, एजे काफी ज्यादा दूर जाते नजर आ रहे हैं। लेट्स सी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर पिक्सल्स निकालते हैं, किस तरीके से फिगर आउट करते हैं टीम सोल के प्लेयर्स इस फाइट्स को, क्योंकि जानते हैं ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स को अगर हल्का सा भी मौका दिया तो वो मौके पर जो चौका है वो मारने पर यहाँ पर बिल्कुल भी चुकेंगे नहीं। लेकिन स्पाई के ऊपर भी ट्रेड करा जा रहा है, गॉबलिन के पास कुछ अच्छे हाई ग्राउंड्स उसका भली भांति तरीके से जो फायदा है उठाते नजर आ रहे हैं। बली बात है, फायदा जरूर से उठाएंगे टीम सोल के प्लेयर्स। चार फिनिशर्स पॉइंट के साथ एक बेहतरीन शुरुआत ऑलरेडी कर चुके, बट अगर आप स्प्लिट देखें टीम सोल के प्लेयर्स का, पूरे रिजॉर्ट को कॉन्कर करने के इरादे से आए हैं। बिली बन यहाँ पे कवर फायर ओमेगा की तरफ से एसएलआर का, एसएलआर का कवर फायर देखने को मिलेगा। ब्लाइंड स्पाई व्हीकल के पीछे, फाइनली व्हीकल के टायर बर्स्ट आउट करके अपाए जो किया जा रहा है टीम ब्लाइंड के प्लेयर्स को। वेल अब उनका रोटेशन यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर टीम सोल दोनों तरफ से घेर लेती तो मुश्किल है। फाइनली अक्षत ब्लाइंड कैश किया, एलिमिनेट आउट भी करेंगे एंड टीम सोल के गॉब्लिन वहां पे फिनिश अप होंगे। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के एजे आते हुए नजर आएंगे, एक दो तरफा अटैक, एजे ने पूरी तरह से गॉब्लिन को एक एक करके धीरे धीरे यहाँ पे काफी ज्यादा क्लोज आ चुके। ओमेगा का ये 1v1 सिनेरियो काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी दे चुका है, सामने वाले प्लेयर्स बेरली सर्वाइविंग ऑन दोस फ्यू एचपी। ओमेगा फर्स्ट शॉट पॉप इन करेंगे, जोन का भी डैमेज काफी ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि तीसरा ये जोन डैमेजेबल रहने वाला है, आप इसमें ज्यादा देर तक फाइट ले नहीं सकते, ज्यादा देर तक डील आउट नहीं कर सकते। बट क्यूआर का ये ग्रेनेड शैक के ना थोड़ी सी मुश्किल बढ़ाएगा, ओमेगा को काफी ज्यादा डैमेज देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर उसी समय फोस्टेड पॉप इन करने की जरूरत, फोस्टेड पॉप इन के बाकी प्लेयर्स टीम सोल के आगे आएंगे। हेक्टर को पोजीशन रिवील थी कि वहां के ऊपर ग्रेनेड जाएगा, क्या पिक ऑफ निकालने में कामयाब होंगे। जी हां, हेक्टर का वो ग्रेनेड पहला ओपन नॉक निकालेगा, क्या एंड टॉप टॉप दोनों को पिक ऑफ करेगा। टीम रेवेनेंट इज नाउ ऑन बैकवर्ड सिनेरियोस, ऑस्टिन बॉक्स के हाथों में भी ग्रेनेड नजर आ रहा है। अगर टीम सोल पुशिंग करती है इससे बेहतरीन मौका उनको पुशिंग करने का आई डोंट थिंक मिलने वाला है। बिल्कुल, यहां पर ऑस्टिन बॉक्स ने यहां पर ये दरवाजा खोला, ये दरवाजा यहाँ पर खोलते क्षण अपनी भी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने मौका दे दिया ग्रेनेड को अंदर आने का, लेकिन वो अपने प्लेयर को यहाँ पर असली आते थे। लेकिन बात करी जाएगी, लेट्स सी ऑस्टिन वॉटेक्स वर्सेस यहाँ पर एक्टर के बीच में किस तरीके से फाइट्स लगी। लेकिन एक्टर बहुत ज्यादा आसानी से टेक डाउन कर देंगे ऑस्टिन वॉटेक्स को, और सैगी यहाँ पर एक सोलो सर्वाइवल बचे हैं टीम रेवेनेंट के द्वारा। लेकिन रेवेनेंट के सैगी के द्वारा ये ग्रेनेड हेक्टर की दिक्कतें बढ़ा सकता है, लेकिन ओमेगा को आप देखिए स्टिल वेट कर रहे हैं, पेशेंस यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे, वेट करेंगे। लेकिन ओमेगा के द्वारा स्पॉट आउट तो करा हुआ है, सैगी की जो पोजिशनिंग है वो पूरी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन सैगी के हाथ में ग्रेनेड, क्या ये ग्रेनेड के साथ कुछ करिश्मा कर सकते हैं, क्या ये ग्रेनेड गोल्डन हैंड ग्रेनेड साबित होगा। लेकिन टीम रेवेनेंट काफी ज्यादा दिक्कतों में, लेकिन सैगी किसी ना किसी तरीके से फिगर आउट करेंगे, हेक्टर को करेंगे टेक डाउन, और ओमेगा वर्सेस सेगी के बीच में ये 1v1 की फाइट। लेट्स सी कौन बनेगा, कौन करेगा सेवियर का रोल अदा, और इस दौरान टीम रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स एलिमिनेशन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहां पर टीम ने देखने को मिल जाएगा हैक्टर यहां पर आएंगे एक बार वापस एक्शन में, और टीम रेकनिंग जो कि पूरी तरीके से एक अच्छा कंपाउंड होल्ड करती नजर आ रही है उनके प्लेयर को चोट पहुंचाएंगे और पूरी तरीके से नेक्सस को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। हैक्टर बैक टू बैक ट्रेड्स निकालते नजर आ रहे हैं, और ये जो एक एक फिनिश है ना वो टीम सोल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। टोटल 10 फिनिशर्स ये जो टीम है ऑलरेडी अपने नाम कर चुकी है। 6.5k का टारगेट रहेगा बिफोर टुडेज स्ट्रीम एंड, बट उससे पहले 5 टीम्स 11 प्लेयर्स और ओमेगा की तरफ से काफी बेहतरीन टैप टैप शॉट्स लेब्रॉन के ऊपर हमें देखने को जरूर से मिलेंगे। टीम रेकनिंग ने सेकंड मैच में काफी बेहतरीन कमबैक जरूर से दिखाया था, अभी भी वो कंसिस्टेंसी पूरी तरह से मेंटेन आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसा लगा आपको सोल का ये इरांगल एंड मिरामार का मैच, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो को बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल के अपडेट एंड रोडफुट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।